हेलो फ्रेंड्स, प्रभा हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्राइडल हेयर स्टाइल। ये मैंने कैसे बनाया, बहुत लॉन्ग हेयर हैं मेरी ब्राइड के और बहुत सिंपल तरीके से मैंने कैसे बनाया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। और ये हमारी क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। इस बार भी हमारी क्लासेस 19 तारीख से लेकर के और ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हो रही हैं। 5 डेज की क्लास हैं जहाँ पर आपका रहना खाना सब उसमें इंक्लूड होगा। 15,000 की क्लास है 5 दिन की, जो हमारी करवा चौथ के 2 दिन बाद से ही, 2 दिन 17 तारीख की करवा चौथ है और 19 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो हमने फिर दोबारा से ग्रेटर नोएडा में रखी हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट रह गए इस बार भी, तो जो काफ़ी मुझे कह रहे हैं कि आप मैम एक बैच हमें सीज़न से पहले दे दो, नवंबर में काफ़ी सीज़न है तो प्लीज़ हमें दे दीजिए। तो अगर आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए अपना, ताकि मैं आपको ये नए नए लुक सिखा सकूं। तो आइए हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस नए हेयर स्टाइल की ओर। मैंने इनका मेकअप कर दिया है और मैंने ये लुक सिखाया है मेकअप का अपने स्टूडेंट को भी, और मैंने इनका मेकअप किया। ये पहाड़ी ब्राइड है और पहाड़ी लुक मैंने इनको यहाँ पर सिखाया। अब मैं इनका हेयर स्टाइल देने जा रही हूँ दोस्तों। तो मैं ये हेयर स्टाइल आपके लिए भी लेकर आई हूँ कि हम किस तरीके से, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम शॉर्ट हेयर में बाल जुड़ा नहीं बना सकते, ब्राइडल जुड़ा, और बहुत लंबे बाल हों तो भी प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत लॉन्ग और बहुत हैवी हेयर्स में हम कैसे जुड़ा बनाएं, हमें बहुत दिक्कत होती है। मैम आप प्लीज़ बता दीजिए, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं इसके लिए। तो मैं उसी तरीके से बहुत लॉन्ग हेयर में इनके लिए हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ जो मैं आपको भी सिखा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। मैंने सारे बालों को आगे के थोड़े से बालों को क्रिम्प किया है और बाकी मैं एक पोनी टेल की मदद से और रबर बैंड में सिक्योर कर रही हूँ, पोनी बना रही हूँ उनकी बिल्कुल कैजुअल, क्योंकि लॉन्ग हेयर है सबको रहता है ना कि इतने लंबे बालों में पिन हम कैसे लगाएं, बहुत दिक्कत होती है। बॉब पिन भी कई बार रुक नहीं पाती हैं, बहुत सिल्की हेयर है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे डोनल का। ये मैंने क्योंकि ब्राइडल जुड़ा है और ब्राइडल जुड़े में कुछ भी आप लगाइए पीछे तो आपका कवर हो ही जाता है, तो हमने देखिए हम दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पोनी के साथ ऊपर ट्विस्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारे जो बाल हैं बहुत लंबे, वो हमारे बाल थोड़े शॉर्ट लगेंगे जो कि हम इजीली इसमें रैप कर सकते हैं, और पीन नीचे के बालों को हम घुमा करके जुड़ा पिन से या बॉब पिन से इनको सिक्योर कर सकते हैं। डोनल हमारा ब्लैक कलर का ही होता है तो मैंने उसी के ऊपर ये ट्विस्ट दिया है और बाल भी इनके शॉर्ट हो गए। हम चाहें तो पीछे निकाल भी सकते हैं, नहीं चाहें तो हम अंदर भी रैप कर सकते हैं। ये छोटे बाल हैं काफ़ी जो साइड के आ गए और हमने इनको दोबारा से अंदर की तरफ भी रैप किया है। देखिए यहाँ पर मैंने बॉब पिन लगा दी। बस यही ध्यान रखना है आपको कि ब्राइडल जो भी हेयर स्टाइल आप बनाएं कभी भी जुड़े पिन से उसको सिक्योर ना करें, क्योंकि जुड़ा पिन बहुत लूज हो जाती है और बाद में जुड़ा खुल जाता है। आप कितना भी स्प्रे का यूज़ करेंगे बट वो खुल ही जाएगा, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम बॉब पिन का यूज़ करें। और बहुत सिंपल तरीका है ट्विस्ट बनाने का और बहुत लॉन्ग हेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके से जुड़ा बनाने का। देखिए एक पार्टी वेयर लुक भी आ गया और हमारे सारे बाल उसमें सिक्योर भी हो गए। कितना सिंपल तरीका है से मैंने बनाया है। डोनल ब्लैक कलर का भी होता है, थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा तो भी हमारा पता नहीं चलेगा, वो तो बहुत ज़्यादा हम पास में क्लोज़अप कैमरा लेकर आएंगे तो बेशक दिखाई दिया, अदरवाइज ये इतना भी दिखाई नहीं देता। अब मैंने ये स्टफिंग यूज़ की है। अगर हम यहाँ पर अपनी होममेड स्टफिंग यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट मेरे पास उस टाइम थी नहीं तो मैंने ये वाली स्टफिंग यूज़ की है, नॉर्मल एक कैजुअल स्टफिंग जो मार्केट में अवेलेबल है। ब्राइड को हम साथ साथ ज्वेलरी भी पहना रहे हैं और इनको लगाना है हमने माथा पट्टी। तो जब भी हम हेयर स्टाइल बनाते हैं माथा पट्टी पफ बनाने से पहले लगा दें तो ज़्यादा बेटर रहता है।
अब मैंने हल्का सा ऐसे ही सिक्योर कर दिया ताकि हमें आप हेयर स्टाइल बनाने में आसानी हो और हमारे बाल आराम से हो जाएं। अब आप देखिए, मैंने यहाँ से पीछे से थोड़े बालों को लिया है और अब इसमें करूँगी मैं बैक कॉम, क्योंकि आगे से बालों को हमने हल्का हल्का सा क्रिम्प किया हुआ है। क्रिम्प करने से एक अच्छा हैवी बाउंस आ जाता है, हमें ज़्यादा बैक कॉम, ज़्यादा पफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर भी मैंने बार्बर की मशीन का यूज़ किया है, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत ही अमेजिंग मशीन है, बार्बर की क्रिम्पिंग मशीन। इनका क्रिम्पर काफ़ी अच्छा है और इनके टोंग मशीन भी बहुत बेटर है। अब देखिए मैंने किस तरीके से जिगजैग निकाल करके अलग से लाइंस क्रिएट की हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा तरीका है। जब भी हमें लगे कि हमारी लाइंस प्रॉपर नहीं आ रही हैं नॉर्मली, तो हम इस तरीके से उसको एक पिन करेंगे और बाद में हम उनको देखिए इस तरीके से लाइंस दे देंगे, तो बहुत आसानी से हमारी हेयर स्टाइल में एक लाइन क्रिएट हो जाएंगी। दोनों साइड से ऐसे ही मैंने जिगजैग निकाल करके लाइंस क्रिएट किए हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप इनको खींच करके थोड़ा सा और ऊपर कर दोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। बस आपको थोड़ा सा स्प्रे मारना है, क्योंकि हमारी ये लाइन अलग से हैं, हेयर्स हमने अलग से निकाले हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप हल्का हल्का खींच दो इनको तो और भी अच्छा, इनमें काफ़ी अच्छा बाउंस आ जाता है। अब मैंने जिगजैग निकाल करके यहाँ पर मैं इनका स्टाइल देने जा रही हूँ। सेम वही चीज़ ट्विस्ट करके, क्योंकि वो बाल हमने जो छोड़े थे वो हमारे एज इट इज़ हैं, तो हमने इस तरीके से उसको ट्विस्ट किया है। ये भी हेयर स्टाइल ब्राइडल हेयर स्टाइल्स के साथ बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों। कुछ भी है, ब्राइडल है और बहुत अच्छा पे कर रही है, तो आप पीछे से भी स्टाइल बनाइए, चाहे उसका दुपट्टा रैप ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा स्टाइल तो देना ही पड़ता है और अच्छा भी लगता है, जो हमारे ब्राइडल मेकअप को थोड़ा सा एडवांस अच्छा लुक देता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्रिएट किया है ये लुक, तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते। आप अगर ध्यान से मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आता, आप दो बार वीडियो देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो मैंने पीछे की लाइन, मैं अपने स्टूडेंटों को बता रही हूँ कि जो मैंने पीछे की लाइन क्रिएट की है वो थोड़ी ऊंची है, तो उससे नीचे ही लाइन क्रिएट करें आगे की। ट्विस्ट जो बनाएंगे आप लाइंस में नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ साइड से मैंने छोटे छोटे दोबारा से ट्विस्ट किया है, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि इधर बहुत थिन हेयर थे। आगे से ब्राइड का हेयर स्टाइल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हमने बहुत सारे लुक्स आपके लिए लेकर आएंगे, लुक लेकर आएंगे नए नए ब्राइड के आगे के हेयर स्टाइल्स के। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैंने सारे बालों को, आगे के जितने भी हमारे हेयर्स बचे हैं आगे के, उनको हल्का सा मैंने स्प्रे मार करके जो जितने फ्रिजी हेयर हैं उनको सेट कर लेते हैं और हम ले जाएंगे उसको। हम चाहें तो उस साइड भी ले सकते हैं, बट मैंने इस साइड लिया है क्योंकि ये साइड का लुक थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा था। थिन हेयर थे तो इधर की तरफ अगर आप देंगे तो ज़्यादा बेटर लुक आएगा। और इसी में हम लाइन क्रिएट करेंगे बहुत आसानी से फिंगर की मदद से, क्योंकि हमने स्प्रे किया हुआ है। उससे क्या होता है, हमारे हेयर्स भी फिक्स हो जाते हैं और हमारा एक लुक भी अच्छा सा आ जाता है। जितने भी अब माथा पट्टी को हमने बड़े आराम से पिन की, बॉब पिन की मदद से सेट कर दिया, और जितने भी हमारे बाल पीछे रह गए उनको हम दोबारा से ट्विस्ट करके दोनों साइड लगाएंगे। आप चाहें तो एक साइड भी बना सकते हैं, आप चाहें तो रोल भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि ये जहाँ पर हम हेयर एक्सेसरी की गजरी लगाते हैं, ये हमारा सेव होने ही वाला है। जो भी मैं हेयर स्टाइल आपको ब्राइडल के सिखाती हूँ दोस्तों, तो वो ऐसे नहीं होते कि आपने खाली ब्राइडल में बनाने हैं, आप किसी भी पार्टी मेकअप में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग गजरा नहीं लगा रहे उनके लिए तो बेटर है कि आपको एक नया स्टाइल लुक मिल ही जाएगा। और आपको इनका अगर मेकअप देखना है तो मेरा दूसरा चैनल है प्रभा मेकओवर, वहाँ जा कर के आप मेकअप सर्च कर सकते हैं। तो इनका आपको मेकअप का वीडियो भी आप अपलोड हो चुका है, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा।
और हाँ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी है, हम लोग क्लासेस लेते रहते हैं, अभी भी मेरी 19 तारीख से ग्रेटर नोएडा में क्लासेस हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जिन मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रजिस्ट्रेशन में आपको 2,000 रुपये पहले जमा कराने पड़ेंगे, और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको 13,000 रुपये यहाँ जमा कराने पड़ेंगे, जिसमें आप हमारे साथ 5 डेज रहेंगे नोएडा में, ओमेक्स फार्म ग्रीन में और म्यू सेक्टर, तो ये ग्रेटर नोएडा में है, और वहीं अपार्टमेंट में रहने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो 5 डेज आप वहीं पर रहेंगे, वहीं पर आपका आपको फूड मिलेगा, खाना वगैरह सब उसी में इंक्लूड है, रहना खाना, और प्लस आप क्लासेस लेंगे, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हम लोग 12 बजे से क्लास स्टार्ट करते हैं तो 5 बजे तक इनफ हो जाती है, तीन चार बजे तक, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप वहीं रहने वाले हैं तो आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी देर चाहें उतनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जो एक्चुअल में आप सीखने आए हैं, जिस दिन जो मेकअप हम लोग सिखाएंगे वो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन करिए, आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए, और आपका स्वागत है मेरे अपने घर पर, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये नई नई क्लासेस। तो नवंबर से सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर रह गए थे जो नहीं आ पाए इस बैच में, इसलिए मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए क्लास रखी है, तो अगर आप लोगों में से भी कोई और हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेकअप देखना हो तो मेरा दूसरा चैनल है प्रभाव मेकओवर, वहाँ जा कर के आप मेरा ये इनका वीडियो मेकअप का देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लस ये मेरे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर जो इस बैच के हैं, जो वीडियो में दिखाई देंगे, देखिए ये दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो में थे।